तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम हैं आज ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की गंगा आरती, बहुत ही प्रसिद्ध गंगा आरती है। अभी आपके सामने हो रहा है, जो जितने भी श्रद्धालु हैं उसमें विदेशी भी श्रद्धालु शामिल है, और राधे राधे की धुन पे जो नृत्य हो रहा है वो देखिए, भक्तिमय माहौल है पूरा, और उसमें हम भी झूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, अंत तक देखिए। और पूरी जो यहाँ पे जो आरती कैसे होती है, किस तरह की तैयारी होती है, वो चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में क्या आपको मिलने वाला है, बहुत स्पेशल वीडियो है। और अभी हम हैं त्रिवेणी घाट, कहा यह जाता है कि यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है यहाँ की आरती। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं तो यहाँ की आरती आप देख लेना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही विहंगम नज़ारा। गंगा जी का घाट आपके सामने, और बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश यहीं से बेसिकली स्टार्ट भी होता है, और इससे थोड़ा आगे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला, और जो नया में सीता झूला बना हुआ है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप ऋषिकेश में एंटर करते हैं तो वहीं पे आपको ये सबसे पहला घाट यही है, त्रिवेणी घाट। तो देखिए, और अभी आरती की तैयारी, जो यहाँ के जो पुजारी हैं, जो पंडे हैं, जो आरती दिखाते हैं, वो तैयारी लगभग स्टार्ट हो जा रही है। जो भी जिन्हें भी स्पेशल आरती कराना है वो लोग अपने अपने वो सब लगे हुए हैं। इन सब लोगों को स्पेशल आरती दिखाना है, शाम में जो गंगा जी को जो फूल वगैरह अर्पित करना है वो सब श्रद्धालु है यहाँ पर, और उनसे विशेष पूजा कराई जा रही है। तो कुछ ही देर में अब आरती का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सारे श्रद्धालु जो फूल वगैरह लेके बैठे हुए हैं, जो जैसे आरती ख़त्म हो जाएगी तो गंगा जी में ये प्रवाहित करेंगे ये सब फूल। तो फूल वगैरह प्रवाहित करना कोई सही है, क्योंकि ये नेचर फ्रेंडली भी है। फूल दिए वगैरह तो लोग प्रवाहित करते हैं गंगा जी में। ये देखिए, अभी जो सीट्स है अभी पूरी तरह से नहीं भरी हुई है, धीरे धीरे करके और भी भक्तजन आएंगे, और भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, और ड्रोन कैमरे से भी इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ये देखिए गंगा जी की धारा कितनी तेज है, और तो सबसे आगे की सीट लगभग हमें मिल चुकी है एकदम आगे में। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। उस बैरिकेटिंग के उस साइड भी लोग खड़े हैं, वहाँ से लोग आरती देखेंगे, गंगा माता की आरती। तो मोक्ष दायिनी और सबके पापों को हरने वाली माँ गंगे, उनकी आरती अभी होगी, कुछ ही देर में होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और जो लास्ट में जो एक भक्तिमय माहौल आपको जो दिखेगा ना यहाँ पे, वो आपको और कहीं नहीं दिखने वाला है। जो लास्ट में जो राधे राधे की धुन पे जो वो जो नृत्य होने वाला है, जो भक्त जो झूमेंगे ना, वो आपको मोहित कर देगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और पीछे की सभी सीट सभी कुछ खाली है। जैसे जैसे आरती का समय नज़दीक होगा और ये जो रिक्त स्थान है वो सारे खचाखच भरने वाले हैं अभी मात्र कुछ ही समय में। तो लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा ये जो है आरती है ऋषिकेश की, जो सबसे प्रसिद्ध आरती है, उसे दिखाने की कोशिश हमने की है, आपके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये देखिए, एक भक्त जो भगवान के धुन पे कैसे वो नृत्य कर रहा है, पूरा समर्पित है, वो देख सकते हैं। ये ड्रोन से यहाँ की निगरानी हो रही है, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे।
तो इस घाट पे आपको एक और बहुत ही सुंदर अर्जुन की जो मूर्ति है, जो महाभारत का जो सीन है ना, जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। बहुत ही यहाँ का परमार्थ आश्रम भी इसी के आसपास है कहीं, ये सब देखिए। और इसके बगल में एक कोई प्रवचन भी चल रहा है किसी किन्हीं बाबा का, योग नगरी ऋषिकेश। तो पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे योग सीखने आते हैं। तुम थोड़ा जल्दी भी यहाँ पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे जो घाट है वहाँ पे हमने स्नान किया, त्रिवेणी घाट पर। और इसके बाद हम जल्दी पहुँच गए क्योंकि आगे की सीट जो है वो बाद में नहीं मिल पाती है, तो तीसरे या चौथी रो पे ही हम बैठे हुए हैं। तो सामने देखिए जो विदेशी जोड़ा बैठा हुआ है हमारे जस्ट बगल में, तो भी लोग अभी अपने अपने पूजा कराने में जो अपनी वो उसमें व्यस्त है। और देखिए धीरे धीरे श्रद्धालु और भी बढ़ते हुए, धीरे धीरे ये जो क्राउड है ना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे। ऋषिकेश में बहुत कुछ है घूमने के लिए। यहाँ से आप लगभग 40 नहीं 25 से 30 किलोमीटर है नीलकंठ महादेव मंदिर, बहुत ही फेमस है वहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर। सावन के समय में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे, और वो आप देख सकते हैं। और यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षक है जो राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब है। लक्ष्मण झूला तो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है क्योंकि वो अब सेफ उतना नहीं रह गया है। बहुत ही पुराना, अंग्रेज़ों के टाइम में, वो उससे पहले अंग्रेज़ों के काल में ही बनाया गया था। हैंगिंग झूला है जो, तो वो ब्रिज अभी बंद है लक्ष्मण झूला। उसके बगल में ही आपको यहाँ की सबसे बड़ी मंदिर, सभी देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। लक्ष्मण झूला के बगल में ही है 13 मंजिला वो मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है वो भी। तो ऋषिकेश में ये सब मुख्य आकर्षक के केंद्र हैं। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड अगर सामान सामग्री वगैरह ये सब चीज़ें खरीदनी है, मूर्तियाँ होगी, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, बहुत कुछ है आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। एक अच्छा डेस्टिनेशन है ऋषिकेश भी। तो मौसम काफ़ी सुहाना मौसम है, मस्त भी नहीं है अभी। तो गंगा आरती जहाँ भी होती है देश के जिस भी कोने में, चाहे वो बनारस की आरती हो, चाहे वो हरिद्वार हर की पौड़ी की भी आरती बहुत ही फेमस है। तो अब वो वक्त आ चुका है जिसका आपको इंतज़ार है, आरती अब स्टार्ट हो रहा है। तो तब के लिए आप देखते रहिए, इस पूरे ब्लॉग को देखिए। वरदाये सुरे प्रियाये लंबोदराये सकलाय जग विधाये विभूषिताये गौरीशाय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीशाय गणनाथ नमो नमस्ते।
विश्व का
बेचा तारी